वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट। हम लोगों के चैप्टर का नाम है सैंपल प्रोग्राम्स और अभी सेशन नंबर 6 कन्वर्जन ऑफ कोर्स। अब कन्वर्जन ऑफ कोर्स में हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोगों को पता है हम लोग प्रोग्राम जो है वो अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि प्रोग्राम जो है वो मतलब किस में हम लोग सपोज इफ एल्स में लिखा तो उसको स्विच में कैसे लिखेंगे, या फिर अगर स्विच में लिखा तो इफ एल्स में कैसे लिखेंगे। तो ऐसे हम लोग प्रोग्राम को कन्वर्ट करना सीखेंगे, ओके, ताकि हम लोगों को और भी मजेदार तरीके से अलग अलग तरीके से प्रोग्राम लिखना आ जाए, ओके। तो अभी देखिए, ये हम लोगों का सिंपल स्विच प्रोग्राम, ओके। इसमें मैंने 3 केसेस दिए, केस 1 केस 2 हाई दिया, केस 3 4 हेलो दिया, देन ब्रेक डिफॉल्ट गो, ओके। ऐसे कुछ फंक्शंस जस्ट एक एग्जांपल लेके हम मैंने दिखाया है। तो हम लोगों को पता है स्विच केस में क्या होता है, हम लोग केसेस यूज करते हैं। मतलब केस 1 2 अगर होगा तो ये हाई फंक्शन चलेगा, देन ब्रेक, क्योंकि हम लोग यहाँ पे केस का कर्ली ब्रैकेट बंद नहीं करते तो इसीलिए हम लोग ब्रेक यूज करते हैं। देन 3 4 हेलो फंक्शन, और देन अगेन डिफॉल्ट फंक्शन होता है जब हम लोग गलत इनपुट देते हैं, ओके। तो ऐसे हम लोग दो केस एक साथ में कब लेते हैं, जब कोई इफ का कंडीशन हम लोग कंबाइन करें। हम लोगों को पता है हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर से जो है हम लोग ये करते हैं, इसको दो कंडीशंस को कंबाइन करते हैं, जैसे एंड ऑपरेटर हो गया या और ऑपरेटर हो गया, ओके। तो केस 1 और केस 2 ये दो में से एक भी अगर कोई भी केस होगा तो यहाँ पे हम लोग हाई फंक्शन यूज करेंगे। देन 3 या 4 में से अगर कोई भी फंक्शन होगा, सॉरी केस होगा, तो ये फंक्शन यूज करेंगे, ओके। तो इस तरीके से ये स्विच प्रोग्राम हम लोगों ने लिखा। अब सेम इसी का हम लोग देखेंगे इफ एल्स कैसे लिखेंगे। तो ये है उसी का इफ एल्स कोड। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है स्विच एक्स केस 1 केस 2। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इफ एक्स इज इक्वल टू 1, और जैसे मैंने बोला ये जो दो कंडीशंस है इसको हम लोग एक साथ में कर रहे हैं, और क्या है हम लोगों का, यस लॉजिकल ऑपरेटर, ओके। और रिलेशनल ऑपरेटर कौन सा है यहाँ पे, यस इक्वल टू जो है ये रिलेशनल ऑपरेटर है। और भी कौन से रिलेशनल ऑपरेटर है हम लोगों ने देखा है पहले भी, ग्रेटर देन इक्वल टू, स्मॉल देन इक्वल टू, ओके, और ये है एग्जैक्टली इक्वल टू। तो इस तरीके से ये रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर का यूज हम लोग दो कंडीशंस को एक साथ में करने के लिए करते हैं। अब ये जो एक ही कंडीशन है इसका केस 1 और केस 2 का फंक्शन है, ओके। तो हम लोगों ने यहाँ पे जैसे केस 1 एंड केस 2 लिखा है, वैसे यहाँ पे इफ में एक्स इज इक्वल टू 1। अब ये एक्स कहाँ पे लिखा है हम लोगों ने, स्विच में, यहाँ पे, ओके। स्विच एक्स किया मतलब एक ही बार वो वेरिएबल लिया, देन उसका यहाँ पे केसेस चेक किया, और वैसे ही else if x is equal to 3, x is equal to 4, ये है 3 और केस नंबर 4 के लिए। इसमें हम लोग हेलो फंक्शन लेंगे, ओके। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने केस 3 4 में हेलो फंक्शन लिया, देन ब्रेक। अब ये जो चार चीजें हैं यही हम लोग जो केस का कंडीशन है पहले, क्योंकि हम लोगों ने स्विच नहीं यूज किया, x is equal to 3 और x is equal to 4 लेंगे, देन हेलो फंक्शन लेंगे, ओके। एल्स, एल्स मतलब हो गया डिफॉल्ट का काम। अगर ये दोनों कंडीशंस हम लोगों की सेटिस्फाइड नहीं होती है, इसका अगर रिजल्ट पॉजिटिव ट्रू नहीं आता है, तो हम लोगों को एल्स में जाके गो फंक्शन देना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे डिफॉल्ट में जाके गो फंक्शन दिया। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए कमेंट में लिखा हुआ है कि ये जो कंडीशन है ये कौन सा केस रन करेगी, ओके। और एक एग्जांपल देखते हैं। ये जो प्रोग्राम है ये इफ एल्स प्रोग्राम है,
इसको हम लोग स्विच केस में करते हैं। जैसे पहले हम लोगों ने स्विच केस का प्रोग्राम इफ एल्स में कन्वर्ट किया, वैसे इफ एल्स का जो प्रोग्राम है ये हम लोग स्विच केस में कर सकते हैं। ओके, आप लोग अगर चाहे तो स्विच केस के अंदर इफ एल्स का भी यूज कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम देख के हम लोगों को समझ में आ रहा है कि ये हम लोगों का कैलकुलेटर टाइप प्रोग्राम है। जैसे कि अगर हम लोगों को एडिशन करना है, दो नंबर्स हम लोग लेंगे, इसका अगर एडिशन करना है तो फिर हम लोग एडिशन कर सकते हैं, या फिर सब्ट्रैक्शन, या फिर प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, या फिर डिवीजन। ओके, तो ये चार में से कोई भी ये है हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने प्रोग्राम लिया और उसमें जो है वो ए जो है हम लोगों ने रिजल्ट के लिए लिया है वेरिएबल। यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे इफ ऑप्शन इज इक्वल टू इक्वल टू ए, मतलब ये एक्चुअली जस्ट स्ट्रक्चर है। ओके, पहले ही हम लोग यूजर से ये ऑप्शन लिए हुए रहते हैं, यूजर से पूछेंगे हम लोग आपको एडिशन चाहिए या फिर जैसे भी आपको क्या चॉइस है, तब हम लोग करेंगे ऑप्शन इज इक्वल टू इक्वल टू ए और दिस वन, मतलब स्मॉल ए या फिर कैपिटल ए कुछ भी हम लोग टाइप कर सकते हैं। ओके, तो फिर फर्स्ट में आएगा ए इज इक्वल टू 20 प्लस 10, देन एल्स इफ ऑप्शन बी, हम लोग ऑप्शन ए जो है वो एडिशन के लिए लिए हैं, देन ऑप्शन बी जो है वो सब्ट्रैक्शन के लिए लिए हैं। ओके, अगर यूजर बी प्लेस करता तो फिर वो दो नंबर्स का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, देन अगर सी प्लेस करता है तो फिर प्रोडक्ट हो जाएगा मतलब मल्टीप्लिकेशन, और डी मतलब डिवीजन हो जाएगा। ओके, और अगर ए बी सी डी ये चारों में अगर कोई भी ये प्रिंट नहीं करता, अगर एंटर नहीं करता है यूजर कोई भी कैरेक्टर, तो फिर वहां पे हम लोगों का आउटपुट आएगा इनवैलिड ऑप्शन। ओके, तो इस तरीके से ये इफ एल्स प्रोग्राम है। अब इसको हम लोग स्विच केस में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए कोड जो होगा बिकम्स, मतलब वो जो प्रोग्राम है उसमें हम लोग यहाँ पे स्विच में ऑप्शन प्रेस करेंगे। ऑप्शन ही हम लोगों ने वेरिएबल लिया हुआ है, ऑप्शन के जगह पे हम लोग चॉइस भी ले सकते हैं, वेरिएबल सीएच भी ले सकते हैं। देन केस ए मतलब ये दो ए में जो होगा यहाँ पे हम लोग एडिशन का करेंगे। अब यहाँ पे जैसे अगर केस बी आएगा, यहाँ पे एल सिफ नहीं आएगा, केस बी दो दो केसेस आएंगे, एक तो केस स्मॉल बी, एक तो कैपिटल बी। ओके, देन होगा सब्ट्रैक्शन, फिर यहाँ पे आएगा केस या तो स्मॉल सी या तो कैपिटल सी, देन यहाँ पे आएगा केस स्मॉल डी कैपिटल डी। तो इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन आएगा और इसमें डिवीजन आएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग केसेस बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि इफ के जितनी भी कंडीशंस है, जैसे ये एक कंडीशन हो गया, फिर ये एक कंडीशन हो गया, देन ये और ये, तो ऐसे चार केसेस हम लोग बना सकते हैं। ओके, तो एक एक कंडीशन की एक एक केस बनेगी और हम लोग इसको स्विच केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब भी हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो हम लोगों का जो आउटपुट है वो सेम ही आता है, आउटपुट में कोई भी हम लोगों का चेंज नहीं होता है। ओके, इसलिए आप अगर सेम अगर प्रोग्राम आए, सपोज ये कैलकुलेटर वाला ही अगर प्रोग्राम आए, तो आप इफ एल्स में भी लिख सकते हो या फिर स्विच केस में भी लिख सकते हो। जैसे हम लोगों ने पहले भी देखा था डेज का प्रोग्राम, 1 to 7 कोई भी नंबर प्रेस करके वो डे जो है वो डिस्प्ले करना है, तो वो हम लोगों ने इफ एल्स में देखा, स्विच केस में देखा, तो इफ एल्स में भी कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से प्रोग्राम लिखने का टेक्निक आपका होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया है तो आराम से आप अपने तरीके से, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगता है, वो आप कोड यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।